ओमकार साधना के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे साधक से आप लोग तो सुने ही हैं, मेरा और अलग करके ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं, फिर भी मैं अपना तरफ से कोशिश करूंगा कि आप लोग अच्छा से जो बात को समझ पाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इस पद्धति को, जैसे आप इस्तेमाल करने के बाद इस पद्धति प्रयोग करके आप साधन पथ में आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, घर में भी करने से अच्छा रहेगा, आप लोग का घर में थोड़ा सा शांति भी रहेगा और मानसिक स्थिति अच्छा रहेगा। छोटा छोटा बात में हम लोग खिचकिच करते हैं, छोटा छोटा काम में जैसे कोई इरिटेट हो जाते हैं, ये नहीं होगा, अस्थिर होते हैं, तो ये होगा नहीं। आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा मेरा बात को सुन के, आप लोग के लिए अच्छा है। ओमकार साधना बहुत ही अच्छा जीवन में फलदायी है। कैसे करके करेंगे ये पहले आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो आप लोग सुखासन या पद्मासन में आराम से बैठिए, धीरे धीरे सांस लेने का कोशिश कीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आराम से सांस को देखने का कोशिश कीजिए। सांस को देखने का बाद आप लोग आस्ते आस्ते कोशिश कीजिएगा कि ओम साधना करने के लिए। मेरा यहाँ पर एक बात है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, क्यों इतने सारे अक्षर हैं छोड़ के क्यों ओम का ही साधना क्यों करूँ। ओम का हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में एक महत्व दिया गया है, बहुत ही महत्व दिया गया है उनको। ओमकार को हम लोग एक तरफ से देवता भी जैसे मानते हैं। तो क्यों ओमकार का मतलब क्या है, क्यों साधक ओम का साधना करते हैं, साधक क्यों कहते हैं, किसको साधक कहते हैं, ये सब कुछ जानना का है। साधक साधते साधते साधक बनता है। साधना मतलब, साधा मतलब रियाज करना, किसका, साध ओम, साध ओम, साध ओम साधकम, मतलब ओमकार को साधता है। ओमकार को क्यों, ओमकार मतलब क्या है, अहमकार ओमकार, अहमकार ओमकार, अहम का मतलब मैं, कार का मतलब ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो साधक ओम को प्राप्ति जब कर सकता है, जब ओम में पहुँचते हैं, जब खुद को समझ जाते हैं कि वही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस जगह पर आने के बाद ही हम लोग साधक कहते हैं उसको। नहीं तो उन्होंने तो साधना सब कोई करते हैं, साधन जगत में रहते हैं, साधन जगत में रह के जो ओमकार प्राप्त होते हैं, जान लेते हैं कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, जब जान लेंगे तब उसे हम लोग साधक कहते हैं। तो आप लोग भी साधन करने का कोशिश कीजिए। कैसे, आँख बंद कीजिए, धीरे धीरे ओम को बोलिए, ऐसे अगर आप लोग धीरे धीरे ओम का साधन करते रहेंगे, रोज़ाना पहले पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा करके रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में, या सुबह आप लोग कम से कम 5 बजे उठ के ये साधन करेंगे तो बहुत फलदायी है। आप लोग का जीवन में शांति मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग को दावे के संग मैं कह रहा हूँ। विश्वास रखिए, करने का कोशिश कीजिए, देखिए बहुत आनंद मिलेगा। जय माता रा।
आनंद में रहिए।